नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम यूसिंक वेबसाइट से 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे ले सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूसिंक वेबसाइट का यहाँ पे रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हम 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे ले सकते हैं, वो भी मात्र 2 दिन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। अब दोस्तों, चलते हैं व्यूसिंक वेबसाइट पर और जानते हैं कि आप इसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे ले सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको आपका जो क्रम ब्राउजर है उसको आपको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे सर्च किया व्यूसिंक, और यहाँ पर जैसे हम व्यूसिंक सर्च करते हैं, आप देख रहे हैं एक वेबसाइट आ जाती है, इसको आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर एक टैब दिखाई दे रहा है, प्लस का आइकन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, आप जिस वीडियो पर व्यू और वॉच टाइम लाना चाहते हैं उस वीडियो का आपको लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि वीडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक और टैब ओपन हो गया है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वापस से यहाँ पर अपना जो यूट्यूब का वीडियो है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जैसे जैसे लिंक को पेस्ट करते रहेंगे आपका वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप अनलिमिटेड जो अपना लिंक है वो पेस्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड आप यहां पर अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। एक साथ दोस्तों, आपको उसमें वॉच टाइम मिलता है, व्यू मिलते हैं। तो यहां पर दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे 3 जो लिंक है वो पेस्ट किए थे और तीनों ही टैब यहां पर ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ और एक और ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे यहां पर अपना जो वीडियो है उसका लिंक पेस्ट करेंगे वो तो आपका जो वीडियो है यहां पे आ जाएगा। ओपन करने के लिए दोस्तों, आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। यहां पे देख रहे हैं कि मेरा ही वीडियो है, उसको मैंने यहां पे कर लिया है ओपन। लेकिन दोस्तों, आप इसमें जब भी वॉच टाइम लेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे अपना जो वॉच टाइम है वो 1 दिन या 2 दिन के भीतर आराम से इसमें 4000 घंटे वॉच टाइम तो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप जब भी अपने चैनल को यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो दोस्तों, आपका चैनल वहां से मोनेटाइजेशन में रिव्यू पे जाए। रिव्यू पे दोस्तों, जो यूट्यूब के जो कर्मचारी हैं जो हमारा चैनल रिव्यू करेंगे वो देखेंगे कि आपके वीडियोज पर पहले तो व्यू नहीं आ रहे थे, उसके बाद में अचानक से आपके वीडियो पर व्यू आए और दूसरे तीसरे दिन वापस बंद हो गए। तो दोस्तों, YouTube के जो कर्मचारी हैं उनको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो व्यू आए हैं वो बिल्कुल फेक व्यू हैं, इसमें किसी वेबसाइट के या फिर किसी एप्लीकेशन का यूज लिया गया है, या तो पेड है या फिर किसी और तरीके से इसने इन व्यू और वॉच टाइम को गेन किया है। वहां पर दोस्तों, अब आपके जितने भी व्यू हैं उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की जाएगी और यूट्यूब और गूगल इतना जानता है कि आपके जो भी व्यू हैं वो कहाँ से हैं, वो सब कुछ पता लगा लेगा और आपका चैनल वहां से मोनेटाइज तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, आपका जो एडसेंस अकाउंट लिंक किया था आपने वो भी वहां से हो जाएगा डिसेबल। और दोस्तों, अगर आपका एडसेंस अकाउंट एक बार डिसेबल हो जाता है तो आप लाइफ टाइम अपने नाम से कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना एडसेंस अकाउंट आप यूट्यूब चैनल भी नहीं बना सकते, बना लेंगे लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होगा आपके नाम से कभी भी। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई शॉर्ट तरीका यूज लेते हैं व्यूसिंक वेबसाइट जैसा, जिससे आप अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम गेन करना चाहते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, मेरी राय से आपको इस जो वेबसाइट है इससे आपको वॉच टाइम गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपका सिर्फ जो पैसा है वो वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका चैनल है वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने वीडियोस पर एक्चुअल में व्यू चाहिए, वो सब्सक्राइबर चाहिए, तो दोस्तों, आपके वीडियो का कंटेंट, टैग, टाइटल और थंबनेल पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब की ही एक एप्लीकेशन है VidIQ, उसका यूज लीजिए और अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी आप अपनी वीडियोज को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने चैनल को मोनिटाइज करवा पाएंगे और जनरली आप उससे पैसे भी अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी राय है कि आपको व्यूसिंक या फिर अदर ऐसी कोई एप्लीकेशन है उनका कभी यूज नहीं लेना चाहिए अपने चैनल पर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।